आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने नॉलेजेबल कंसेप्ट चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मैक्रो सीखना। अब ये मैक्रो क्या होता है? नॉर्मली हम मैक्रोस में रिकॉर्डिंग करके रख सकते हैं। यस, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मीन्स जैसे अभी आप नॉर्मली बोल, इटैलिक, जब ये फॉर्मेटिंग करते हैं और वो आपको डेली लाइफ में, लेटर्स में, एप्लीकेशन में या कुछ पर्टिकुलर लिस्ट बनाने में सपोर्ट करना है, तो आप उसका रिकॉर्डिंग करके रख सकते हैं। कैसे, आइए देख लेते हैं जरा हम इसको। पहले तो हम यहां से व्यू में आते हैं। व्यू में आने के बाद यहां पे ऑप्शन दिया हुआ है मैक्रोस का। इस मैक्रो के अंदर गए, यहां पे ऑप्शन है रिकॉर्ड मैक्रो, कि आपको मैक्रो रिकॉर्ड करना है तो ठीक है, प्रेस किया। अब यहां पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको मैक्रो का नाम क्या देना है। जैसे बाय डिफॉल्ट मैक्रो वन लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो यही रहने दें, अदरवाइज इसको आप कट करके कीबोर्ड से खुद से टाइप कर लें। जो भी आपको मैक्रो देना हो नाम, अब वो दे सकते हैं। उसके बाद आपको यहां पे दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है असाइन मैक्रो टू। आपको बटन बेसिस पे चलना है कि कीबोर्ड बेस पे चलना है? हमें दोनों बातें कर लेते हैं आज। जैसे हम यहां पे बटन पे प्रेस करते हैं, ये देखिए आ गया, जो हमने वहां पे नाम एबीसी लिखा हुआ था वही नाम यहाँ पे दिखा रहा है। अब इसे हमें यहाँ पे ऐड करना है। जैसे ये यहाँ पे आ जाए, एडिट क्विक असेस टूल बार में आ जाए, ओके किया, सॉरी यहाँ पे पहले क्लिक नहीं किया है हमने, ये ऐड किया और इसको अभी ओके कर लेते हैं। अब देखिए जो एरो आप देख रहे हैं उसके सामने कोई अलग सा सिंबल आ चुका है। अब आप होम में आके जो चेंजेस चाहे, सपोज हमने बोल्ड कर लिया, अंडरलाइन कर लिया, इसका साइज चेंज कर लेते हैं, इसका फॉन्ट फैमिली से फॉन्ट चेंज करते हैं, जो भी आपको चेंजेस करना हो उसके साथ में, अगर आप चाहें तो उसे राइट में रखना है तो या सेंटर में रखना है तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपको रिकॉर्डिंग करनी है, अगर आपकी रिकॉर्डिंग हो गई फाइनल, तो आप व्यू में मैक्रो में स्टॉप मैक्रो कर दीजिए, स्टॉप रिकॉर्डिंग। ठीक है, क्या किया हमने, फिर से रिपीट करते हैं। फर्स्ट ऑफ हमने व्यू में मैक्रो में जाके रिकॉर्डिंग में गए, फिर यहाँ पे हमें इस मैक्रो वन जैसे बाय डिफॉल्ट नाम लिखा हुआ है, हमने इसको कट कर दिया और इसको नाम दे दिया एक्स वाई जेड। उसके बाद हम लोग गए यहाँ इस बटन के अंदर। ठीक है, अब जो हमने नाम दिया था एक्स वाई जेड, पहले वहां पे प्रेस करना है, उसके बाद हमें यहाँ पे ऐड करना है। देखिए ये आ गया एक्स वाई जेड यहाँ पे, ओके किया। अब यहाँ पे होम में चल के फिर से इसमें कुछ चेंजेस कर लेते हैं। हमने सपोज अभी यहाँ पे कोई अलग से राइटिंग दे दी, इसको राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, बोल्ड और अंडरलाइन हटा के हमने इसका इटैलिक फंक्शन एक्टिव कर लिया और इसकी साइज लिमिटेड कर लेते हैं। ठीक है, अब व्यू से मैक्रो में स्टॉप कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, इफेक्ट सिलेक्ट करके अब यहाँ पे नोटिस कीजिए, ये पहला ऑप्शन जो हमने पहला मैक्रो दिया था, यहाँ पे नाम दिखा रहा है एबीसी, और ये जो दूसरा ऑप्शन जो हमने एक्स वाई जेड से नाम दिया हुआ है। जैसे अब हमने इस मॉनिटर को सिलेक्ट किया, ये फर्स्ट मैक्रो को प्रेस किया, देखिए हो गया चेंजेस जो हमने इसमें रिकॉर्डिंग करके रखी हुई है। सीपीयू को सिलेक्ट किया और यहाँ पे सेकंड वाले मैक्रो को प्रेस किया, आ गया। अगर आपको यहां से सपोर्ट नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट करके व्यू से मैक्रो के अंदर, यहाँ पे दिखा रहे हैं व्यू मैक्रोस, इसमें आइए, यहाँ कीबोर्ड से अल्ट एफ 8 पे भी जा सकते हैं आप। फिर यहाँ पे आपको क्या पैक, कौन सा मैक्रो चाहिए, एबीसी वाला कि एक्स वाई जेड वाला, जो भी आप चाहें उसे टारगेट करें और यहाँ पे रन कीजिए। ठीक है, हो गया। फिर से दूसरे को सिलेक्ट किया, मैक्रो में व्यू रिकॉर्डिंग में व्यू मैक्रो में जाके हमने एक्स वाई जेड को रन करा दिया। यहाँ पे हुआ इफेक्ट, ये तो हो गया एक फंक्शन। अब फिर से हम इसी में आते हैं, यहाँ पे कर्सर रख देते हैं, कहीं पे भी होने दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। मैक्रो के अंदर रिकॉर्डिंग में गए, हमने यहाँ पे भी नाम दे देते हैं मैक्रो वन जो इनकी तरफ से लिखा हुआ है। अब हम चलते हैं कीबोर्ड में, प्रेस किया। अब यहाँ पूछ रहा है कि न्यू शॉर्टकट की बताइए आप। अब हमने कीबोर्ड से प्रेस किया कंट्रोल ए, जैसे हम कंट्रोल ए प्रेस करते, देखिए यहाँ पे कंट्रोल ए टाइप हो गया खुद ही, और यहाँ पे मैसेज आ गया कि ये जो कंट्रोल ए आप साइन दे रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, वो सिलेक्ट ऑल के लिए फिक्स्ड है। अगर हमने अभी कीबोर्ड से कंट्रोल बी प्रेस किया, देखिए ये क्या आ गया ऑप्शन, तो पहले हमें इसको बैक स्पेस से कट करना है। अब कंट्रोल बी लिखा, यहाँ पे देखिए असाइन किया हुआ है बोल्ड के लिए, कट कर लेते हैं। अगर हमने यहाँ पे कंट्रोल यू टाइप किया, कंट्रोल यू प्रेस किया, देखिए आ गया यहाँ पे अंडरलाइन। तो जो भी पहले से ही शॉर्टकट की फिक्स की हुई है, असाइन की हुई है, उनके लिए आपको यहाँ पे पहले से ही इंडिकेटर दिखा रहा है। हमने इसको कट किया, अब हम कीबोर्ड से क्या करते हैं, कुछ टाइप नहीं करेंगे, अल्ट कंट्रोल ए प्रेस किया, देखिए यहाँ पे आ गया अल्ट कंट्रोल ए, और ये क्या दिखा रहा है, अभी तक ये असाइन किया हुआ नहीं है, डेट मीन्स ये हमें ऑप्शन मिल सकता है। यहाँ पे अभी इसे असाइन पे प्रेस किया,
जैसे ही असेंड पे प्रेस किया, देखिए ये जो शॉर्टकट की है ये साइड आ गई, अब इसको क्लोज करते हैं। ओके, अब हमें जो भी चेंजेस चाहिए वो आप यहाँ से सिस्टम बना लीजिए, जो भी आपको राइटिंग सेट करनी हो, जो भी आपको फॉन्ट स्टाइल साइज व्हाटएवर जो भी आपको चाहिए वो सेट कीजिए, व्यू से मैक्रो में स्टॉप कर लीजिए। ठीक है, अब अगर आपको वो अप्लाई करना है तो उसे आप सिलेक्ट करके कीबोर्ड से हमने क्या किया था, अल्ट कंट्रोल ए, देखिए हो गया इफेक्ट। अगर आप किसी और को भी सिलेक्ट करते हैं, व्यू से मैक्रो में व्यू के अंदर आए और यहाँ पे मैक्रो वन को रन करा दिया, देखिए हो गया इसका इफेक्ट। ये तो जस्ट हमने फॉर्मेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो यही पैराग्राफ सिलेक्शन के लिए भी कर सकते हैं, जो भी आपको सिलेक्शन करनी हो। तो उसके लिए फिर से मैक्रो में रिकॉर्डिंग में गए और यहाँ पे कीबोर्ड का फंक्शन ले लेते हैं, यहाँ पे फिर से वही शॉर्टकट की असाइन करनी होगी। हम कीबोर्ड से अल्ट कंट्रोल और बी प्रेस करते हैं, देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक टाइप हो गया अल्ट कंट्रोल बी, और यहाँ पे असाइन दिया हुआ नहीं है तो हमने इसको असाइन कर दिया, क्लोज किया। अब अगर हमारे सामने कुछ पैराग्राफ आए तो उसको क्या फंक्शनिंग होना चाहिए, तो हम चाहते हैं वो उसमें इटैलिक नहीं होना चाहिए, उसकी साइज 12 होनी चाहिए और जो नॉर्मल फॉन्ट है वो एरियल फॉन्ट होना चाहिए। उसके साथ इस पैराग्राफ के अंदर जाके हमने यहां से इसको जस्टिफाई ऑप्शन दे दिया, इंडेंटेशन 0.2 का सेट कर दिया, जैसे आप चाहें, नॉर्मल हम ऐसे ही अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सेट कर लेते हैं। अब जैसे ही हम पैराग्राफ कुछ बनाएंगे, देखिए सेटअप हो गया, ओके कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको व्यू से मैक्रो में स्टॉप कर दिया, राइट। अब हम फाइल से न्यू फ्रेश पेपर लेते हैं, ये फ्रेश न्यू पेपर ले लिया। अब यहाँ पे इज इक्वल की साइन देके रैंडम की फॉर्मूला लगा देते हैं, यहाँ पे अभी हमने लगा दिया 10.5, ओके किया, आ गई इतनी सारी पैराग्राफ्स, 10 पैराग्राफ आ गई, हर एक पैराग्राफ में 5-5 लाइंस हैं। अब हम क्या करते हैं, इन्हें पैराग्राफ पॉइंट ऑफ व्यू से सेट कर लेते हैं, ये हमने यहां तक इसको सेट कर लिया। ठीक है, अब हमने इसको क्या फंक्शन दिया था, अल्ट कंट्रोल और बी, अल्ट कंट्रोल बी प्रेस किया, देखिए ये हो गया जैसे हमने इसको सेटअप किया था, ऑटोमेटिकली जस्टिफाई हो गया और जो हमने पैराग्राफ के अंदर जाके ये फंक्शंस दिए थे वो सब फंक्शंस ऑटोमेटिकली एक्टिव हो गए और जितना पोर्शन हमने सिलेक्ट करके दिया था उतने में ही आया, दूसरे किसी में नहीं आया है इफेक्ट। हम फिर से इसे जस्ट एक पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब चाहे तो आप भले व्यू से मैक्रो में व्यू के अंदर आइए और यहाँ पे हमने जैसे दिया था फंक्शन मैक्रो 2 उसे रन करा दीजिए, हो गया इफेक्ट। हमने जो उसका सेटअप रखा था साइज 12 फॉन्ट एरियल होना चाहिए वो सब फंक्शंस आप मैक्रो में रिकॉर्ड करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये सब मैक्रोस नहीं चाहिए तो आप व्यू से मैक्रोस में अंदर आके यहाँ पे आप चाहें तो इसको क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, डिलीट करना है यस करना है, ये दोनों फंक्शन हमारे डिलीट हो गए। अब अगर हमने इन मैक्रोस की हेल्प लेनी चाहिए जो यहाँ पे तो अवेलेबल है ना, तो यहाँ पे प्रेस किया, देखिए एरर आया कि मैक्रो भी अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपको ये साइन भी नहीं चाहिए तो आप इस पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे रिमूव कर दीजिए, अगेन राइट क्लिक और ये रिमूव। ये कंपल्सरी नहीं है जो हमारे डॉक्यूमेंट रनिंग है उसी के लिए अप्लाई हो, आप इसको क्लोज कर सकते हैं आराम से और इसमें न्यू फ्रेश पेपर भी लेके आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इवन अगर आपने कंप्यूटर आपने रिस्टार्ट भी किया या कंप्यूटर शटडाउन भी किया तो ये जो मैक्रोस इसमें अवेलेबल हैं वो आपको एवरी टाइम सपोर्ट करते रहेंगे, तो कोई टेंशन नहीं है कि कंप्यूटर शटडाउन किया तो क्या होगा एंड ऑल, क्योंकि यहाँ पे जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं यहाँ पे दिखा रहे स्टोर मैक्रो इन ऑल डॉक्यूमेंट्स, तो जो भी डॉक्यूमेंट हमारे वर्किंग में होंगे उन सब में वो सपोर्ट करता रहेगा, फिर चाहे आपको कंप्यूटर शटडाउन करें या रीस्टार्ट करें कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि वो मैक्रो इसके अंदर सेव किए हुए हैं और यहाँ पे ऑल डॉक्यूमेंट्स पे कनेक्शन दिया हुआ है। अगर हमने डॉक्यूमेंट 1 कहा जो हमारा रनिंग डॉक्यूमेंट है तो फिर ये मैक्रो सिर्फ और सिर्फ इस डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई होगा, लेकिन हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है ऑल डॉक्यूमेंट, तो ये सबके लिए सपोर्ट करता रहेगा। और अगर आपने व्यू में जाके इनको डिलीट कर दिया फिर तो वो सपोर्ट नहीं करने वाला है, देखिए नहीं सब डिलीट हो गए। अगर हमने इनको सिलेक्ट किया और जैसे हमने कीबोर्ड से ऑप्शन बोले थे कुछ भी रेस्पॉन्स वो नहीं देगा हमें, और ऊपर से हमने मैक्रोस के ऑप्शन क्लोज कर दिए रिमूव कर दिए हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा। वीडियो पसंद आने पे लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, जैसे न्यू वीडियोस की पहली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।